नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल PLC ब्लॉगर में आपका स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि मोडबस क्वेरी एंड रिस्पांस साइकिल क्या होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप इस पॉइंट से ये समझेंगे कि मोडबस जो कम्युनिकेशन है, मास्टर और स्लेव हमारे डिवाइस होता है, दोनों के बीच में कन्वर्सेशन कैसे होता है। मीन्स अगर डेटा को रीड करना है या राइट करना है तो वो कैसे होता है, उसका मैसेज का फॉर्मेट क्या है, ये आज हम इस वीडियो लेक्चर में सीखेंगे। क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब मैं इसका प्रैक्टिकल करूंगा तो आपको दिखाऊंगा भी वहां पे, क्योंकि इसमें जो मोडबस में जो हमारा रिक्वेस्ट ऐसे बोल दो या फिर ऐसे एक पॉइंट होता है, कई लोग इसे रिक्वेस्ट भी बोल देते हैं कि मास्टर रिक्वेस्ट भेजेगा या फिर मास्टर क्वेरी भेजेगा। अब दूसरे शब्दों में ये भी समझ सकते हो कि ये क्वेरी और रिक्वेस्ट मीन्स एक क्वेश्चन होता है जो मास्टर स्लेव से क्वेश्चन पूछेगा, देन आफ्टर जो स्लेव होता है वो हमको रिस्पॉन्ड करेगा। सपोज एक हमारी PLC है जो मास्टर PLC है और यहाँ पे एक स्लेव है, तो हमारा क्या करेगा, मास्टर हमारा एक रिक्वेस्ट भेजेगा, रिक्वेस्ट बोल दो या फिर क्वेरी बोल दो या फिर क्वेश्चन मींस क्वेश्चन पूछेगा, देन आपने ये जो स्लेब है हमारा, ये स्लेब हमको एक रिस्पॉन्ड करेगा, रिस्पॉन्ड मींस आंसर देगा। तो आप मींस क्वेरी मींस क्वेश्चन समझ सकते हो और रिस्पॉन्ड मींस आंसर समझ सकते हो। बट हमारा जो मोडबस जनरिक कम्युनिकेशन में हमारा जो दो वर्ड यूज किया जाता है, क्वेरी और रिस्पॉन्स या फिर रिक्वेस्ट या रिस्पॉन्स के नाम से ऐसे जाना जाता है, ठीक है। तो ये हमारा मोडबस में हमारा जो मास्टर और स्लेव के बीच में जो हमारा डेटा जो ट्रांसफर होता है, रीड या राइट होता है, उसका मैसेज का क्या फॉर्मेट है। ये हमारा जो फॉर्मेट मैंने लिख रखा है, ये मास्टर द्वारा रिक्वेस्ट का है। ये हमारा जो भी मैंने ये मैसेज का फॉर्मेट लिखा, अभी मैं इसको डिटेल में समझाऊंगा, RQUEST रिक्वेस्ट का फॉर्मेट है। ये मास्टर रिक्वेस्ट भेजेगा, इसका फॉर्मेट है। देन आफ्टर स्लेव कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, उसका मैसेज का क्या सिंटेक्स है, उसको भी समझना जरूरी है आपके लिए। अगर आप इस पॉइंटों को समझे रहेंगे तो देन आफ्टर मोडबस कम्युनिकेशन आप इजीली कर भी पाएंगे। दूसरी बात यह है कि अगर डेटा आपका गलत आ रहा है तो आप ट्रबल शूटिंग में भी यूज कर सकते हैं कि अगर मेरा डेटा क्यों गलत आ रहा है या फिर कोई एरर आता है तो आप ये जो फॉर्मेट है आपको इससे डिटेक्ट करके आप ये बता सकते हैं कि एरर क्या आ रहा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम आज इसके बारे में समझेंगे कि मोड मींस मास्टर और स्लेव के बीच में जो हमारा रिक्वेस्ट भेजा जाता है, मींस जो हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके क्वेश्चन पूछने का जो मैसेज होता है उसका क्या फॉर्मेट है, आज हम उसी का स्टडी करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोग से एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखे तो कृपया उन सभी वीडियो को देखिए। प्रीवियस वीडियो में मैंने ये बताया था कि मोडबस मेमोरी मैपिंग क्या होता है और फंक्शन कोड क्या होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट वो लेक्चर था। अगर आप नहीं देखे तो कृपया उन सबको देख लीजिए, क्योंकि हर एक नेक्स्ट लेक्चर प्रीवियस लेक्चर पर डिपेंड करता है कि प्रीवियस लेक्चर आपने स्टडी किया है या नहीं किया है। तो ये हमारा फॉर्मेट है। देखिए, कोई भी मास्टर और स्लेव के बीच में जो भी हमारा रिक्वेस्ट भेजता है मींस क्वेश्चन करता है, उसके लिए इतने डेटा हमारे स्लेव को भेजना जरूरी है, अदरवाइज स्लेव रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, एरर देगा। तो ठीक है, फर्स्ट हमारा जो होता है स्लेव आईडी, मींस किस डेटा किस स्लेव आईडी किस डिवाइस से आप डेटा को रीड या राइट करना चाहते हो वो है। तो आप स्लेव आईडी, जैसे कि हमने यहाँ पर बताया था कि एक PLC जो मास्टर PLC है और इसका स्टेशन नंबर है हमारा 9 और यहाँ से एक स्लेव डिवाइस मैंने कनेक्ट कर रखा है और ये हमारा सब कुछ PID है, तो इसका स्लेव आईडी हमारा स्लेव आईडी मैं इसको 10 ले लेता हूँ कि स्लेव आईडी 10। तो ये हमारा जो हमारा मास्टर रिक्वेस्ट इसको भेजेगा तो ये पहले बताएगा कि हमको किसने नंबर डिवाइस से डेटा को रीड करना है, ये क्यों स्लेव आईडी देते हैं और क्यों इंपॉर्टेंट है, ये मैं प्रीवियस लेक्चर में बताया, तब आपको मतलब अगर आप देखेंगे तो आपको आइडिया होगा कि कितना इंपॉर्टेंट है। तो स्लेव आईडी देगा कि मींस किस डिवाइस से आप डेटा को रीड करना चाहते हैं या राइट करना चाहते हैं। आप डेटा रीड और राइट करना चाहते हैं ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपका फंक्शन कोड क्या है। फंक्शन कोड ही बताता है कि डेटा को आप रीड कर रहे हैं या फिर राइट कर रहे हैं। तो फर्स्ट हमारा स्लेव आईडी देते हैं, दूसरा का हमारा फंक्शन कोड होता है, तीसरा होता है स्टार्टिंग एड्रेस। स्टार्टिंग एड्रेस हमको ये बताता है कि हमको डेटा को कहां से कहां तक रीड करना, मीन्स अगर मैं ये बोलूं कि मुझे डेटा को रीड करना है तो कितने नंबर से डेटा को आपको रीड करना है। जैसे कि मैं अगर Y10 से रीड करना चाहता हूं तो मैं ये बताऊंगा ना कि Y10 मेरा स्टार्टिंग एड्रेस Y10 है या D0 की वैल्यू या फिर D20 की वैल्यू से मैं रीड करना चाहता हूं, तो मैं ये बताऊंगा कि मैं डेटा को कहां से रीड करना चाहता हूं, D20 से यूज करना चाहता हूं या फिर कहां से। तो आप स्टार्टिंग एड्रेस बताओगे कि आपको डेटा कहां से रीड करना है, मींस स्टार्टिंग एड्रेस क्या है। सपोज आप अगर ऐसे समझ लो, आप ये समझ D10 से लेके मैं यहां पे लिख, आपको D10 से लेके आपको D20 तक डेटा को रीड करना है, ठीक है। तो आप स्टार्टिंग एड्रेस बताओगे ना कि आपको डेटा कहां से रीड करना है और कितना डेटा रीड करना है, तो D10 है आपका स्टार्टिंग एड्रेस। तो हमको इसी तरह स्टार्टिंग
रिकरिंग एड्रेस देना पड़ता है कि आपको डेटा कहां से रीड करना है। देन आपको काउंट्स, काउंट्स का मतलब यह हुआ कि आपको डेटा कितना रीड करना है, ठीक है, वो आप वैल्यू यहां पे फिट करोगे। आपको डेटा स्टार्टिंग एड्रेस कहां से रीड करना है या राइट करना है वो एड्रेसिंग यहां पे दोगे, और कितना डेटा रीड करना है मींस काउंट्स मींस आप ये इतना समझ लो कि कितना, सॉरी, कितना डेटा रीड करना है, रीड या राइट करना है, इसका मतलब आप ये समझ लो। काउंट्स का मतलब ये हुआ कि कितना डेटा रीड और राइट करना है वो वैल्यू आप यहाँ पे फिट करोगे। एरर चेक जो होता है ये हमारा खुद का खुद, ये हमारा जो कम्युनिकेशन का प्रोटोकॉल है वो खुद ही एरर चेक कर लेता है कि वो सिस्टम जनरेट करता है। ये जो एरर होता है इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस या नॉइस जो भी कुछ हो सकता है, तो ये जो एरर जनरेट होता है ये हमारा सिस्टम करता है। मेन हमारा पॉइंट ये है कि हमको जो मैसेज का ये रिक्वेस्ट भेजेगा हमारा जो मास्टर से स्लेव के बीच में जो हमारा रिक्वेस्ट जाए, वो रिक्वेस्ट का क्या फॉर्मेट है, उस रिक्वेस्ट का फॉर्मेट ये है कि स्लेव आईडी, सबसे पहले कि हम इसका स्लेव आईडी देंगे, देन आपका फंक्शन कोड बताएंगे कि आपको फंक्शन कोड से हम ये बता देंगे कि डेटा मैं रीड करना चाह रहा हूं या फिर राइट करना चाह रहा हूं, और स्टार्टिंग एड्रेस हमको ये बताएगा कि कहां से मुझे डेटा रीड करना है, जैसे कि D10 से D20 के बीच में डेटा रीड करना है तो स्टार्टिंग एड्रेस मेरा क्या होगा, D10 होगा, तो D10 हम लिखेंगे, और काउंट्स कितना डेटा रजिस्टर रीड करना है ये मैं बताऊंगा, तो D20 में से D10 घटा दूंगा, जो भी वैल्यू हमारी आ जाएगी, सपोज 10 आई तो मैं 10 यहां पे लिखूंगा कि मुझे 10 डेटा रीड करना है, और एरर चेक ये सिस्टम करेगा। अच्छा, एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये समझना कि ये बाइट, ये जो स्लेव आईडी होता है 1 byte में होता है, और जो फंक्शन कोड भी होता है 1 byte का होता है, जो स्टार्टिंग एड्रेस होता है मेरा 2 byte का होता है, और ये जो काउंट्स होता है मींस कितना डेटा रीड करना है ये भी 2 bytes में होता है, और ये जो हमारा एरर चेक करता है सिस्टम वो भी 2 byte में होता है। तो ओवरऑल कितने bytes के हमारे जो रिक्वेस्ट जाएंगे, 2 byte 4 6 7 8 मींस पीएलसी, जो मास्टर पीएलसी और स्लेव के बीच में जो भी हमारा डेटा जाएगा वो हमारा 8 bytes में जाएगा। मैं bytes इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि आप जब प्रैक्टिकल इसका देखोगे, मैं जब प्रैक्टिकल वेरीफाई करके दिखाऊंगा तो वहां पे डेटा आपको बाइट के फॉर्म में दिखाई देगा। अब ये समझ लो ये 2 bytes में क्यों है, ये 1 byte में क्या है, मैं एक बात बता देता हूं कि जो जब भी आप मींस ये देखिए एक डेटा रजिस्टर हमारा जो हम D0 या D10 कुछ भी डेटा रजिस्टर ले लेते हैं, तो डेटा रजिस्टर हमारा 16 बिट का होता है, तो 16 बिट में मेरा 8 बिट लोअर होता है और 8 बिट हायर होता है। एक मैं यहां पे पॉइंट समझा देता हूं आपको, अब मैं बाइट समझा देता हूँ। कोई भी एक डेटा रजिस्टर होता है, मान के चलिए D10 डेटा रजिस्टर है, तो D10 डेटा रजिस्टर ये 16 बिट का होता है। अच्छा, वन यहाँ पे लिख देता हूँ, 1 byte इज इक्वल टू, यहाँ पे शायद दिख ना रहा हो आप लोगों को, 8 bit इज इक्वल टू 1 byte होता है, ठीक है। और एक डेटा रजिस्टर हमारा कितना बिट का होता है, 16 बिट का होता है, तो 16 बिट का है, तो 16 बिट का मतलब ये हुआ कि इसमें 8 बिट लोअर होगा और 8 बिट हायर होगा। यहां पे इस पॉइंट को समझ लीजिए कि ये 16 बिट का है, तो 16 बिट में जो हमारा होगा 8 बिट हमारा लोअर होगा और 8 बिट हमारा हायर होगा। 16 बिट है, 16 बिट में 8 बिट हायर होता है और 8 बिट हमारा लोअर होता है। आई थिंक आप ये पॉइंट बहुत अच्छे से जानते होंगे। तो जो ये हायर बिट बोलते हैं और इसे 8 बिट हायर और 8 बिट लोअर, या फिर इसको अगर बाइट के फॉर्म में लिखूं तो 8 बिट इज इक्वल टू 1 byte होता है, तो 1 byte ये हायर होता है और ये 1 byte लोअर होता है। ये समझाना आपको मींस मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आप इस पॉइंट को समझ पाए। अब देखो किसी भी डेटा रजिस्टर, सपोज ये हमारा डेटा रजिस्टर D10 है, अगर D10 में मैं यहाँ पे अगर D10 में मैं 50 मूव करा देता हूँ, K50, तो K50 की जब बाइनरी निकालोगे आप K15 की, तो 8 बिट के ही अंदर आएगा, ठीक है। जब K50 की बाइनरी निकालोगे तो 8 बिट के ही अंदर आएगा, मींस 8 बिट ऐसे कहने का मतलब ये हुआ कि 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 ऐसे हमारी बाइनरी की वैल्यू आप जब जोड़ते जाओगे, जब 50 की वैल्यू निकालोगे तो 8 बिट लोअर में ही आएगा, हायर बाइट में अभी कोई वैल्यू नहीं आएगा। जब हायर बाइट में जब वैल्यू मूव करती है, जब ये के की वैल्यू 255 से मींस अधिक हो जाती है, मींस अगर मैं यहाँ पे 256 मूव करूँ ना, तो अगर मैं D10 में 256 अगर मूव कर देता हूँ तो हायर बाइट और लोअर बाइट दोनों में वैल्यू दिखाएगा। अगर आप इसका प्रैक्टिकल करना चाहते हैं तो D10 में आप 50 मूव कराइएगा, देखिएगा कि हमारा शुरू के जो 8 बिट लोअर
बिट होते हैं उसी में वैल्यू आएगी, हायर बाइट की वैल्यू जो होती है जीरो होती है। अगर ये जब डेसिमल में 255 से अधिक वैल्यू हो जाए, मींस ऐसे 255 से वैल्यू अगर अधिक हो जाए तब ये हायर बाइट में मूव होती है, मींस D0 का हायर बाइट फिल होगा। तो अब यहाँ पे ये समझने वाली बात है कि हमारे पास स्लेव डिवाइस कितना है, 247 है स्लेव डिवाइस, जो ये 255 से कम है तो इसीलिए 1 बाइट का है। ठीक है, फंक्शन कोड हमारा 16 तक है तो वैसे भी ये तो बहुत कम वैल्यू है तो 1 बाइट में ही आ जाता है। बट स्टार्टिंग एड्रेस मेरा 2 बाइट में होता है, स्टार्टिंग एड्रेस मेरा 2 बाइट में होने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं ये कहूँ एक मेरे पास क्वाइल है में क्या होता है इसको समझ लीजिए। सपोज हम अगर डिजिटल आउटपुट में 20 की बात करता हूं, ठीक है, डिजिटल डी ओ ओ है, जीरो नहीं है, तो डिजिटल आउटपुट 20 मींस 20 नंबर क्वाइल का मैं स्टेटस को रीड करना चाहता हूं। ठीक है, तो ये जो हमारा जो 20 है, अगर इसका हम जानते हैं कि क्वाइल को रीड करने का एड्रेस क्या होता है, 1 से लेके 10,000 तक होता है। तो ये जो हमारी वैल्यू होती है ये ऑफसेट वैल्यू है, तो D20 में से अगर 20 में से 1 घटाऊंगा तो 19 मेरा डिजिटल आउटपुट का एड्रेस क्या बनेगा, 90, ये हमारा डेसिमल में वैल्यू है। ठीक है, तो अगर जो डेसिमल में 19 है तो ये क्या है स्टार्टिंग एड्रेस, मान लो कोई अगर डेटा रजिस्टर है और सपोज यहाँ पे D0 मान लीजिए या फिर D5 मान लीजिए, अगर D5 डेटा रजिस्टर है, D5 में मैं 19 मूव करूँ तो क्या होगा, लोअर बाइट में जाएगा, तो अभी इसीलिए हमारा 2 बाइट है। अगर यही एड्रेस मैं ये बोल दूँ कि डिजिटल आउटपुट 1050 की वैल्यू आपको रीड करना है, मींस 1050 जो क्वाइल है, एक मींस ये एक नंबर है, मींस डिजिटल आउटपुट जो मोडबस में कनेक्ट है 1050 नंबर जो क्वाइल है उसका स्टेटस मुझे रीड करना है। तो 1050 माइनस ऑफसेट घटाएंगे जो हमारा ऑफसेट होता है, मैं हमेशा एड्रेसिंग निकालने के लिए बताता हूं, जो भी ये क्वाइल नंबर है क्वाइल नंबर में से ऑफसेट वैल्यू घटाओगे देन आफ्टर जाके आपको एड्रेस मिलेगा जिसकी वैल्यू आप रीड करना चाहते हो। ठीक है, ये आप जब प्रैक्टिकल देखोगे तो उसमें वेरीफाई हो जाएगा। तो 1049 मिलेगा, 1049 क्या है, ये डेसिमल में वैल्यू है, इसे हेक्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो डेसिमल में 1049 है, 1049 क्या है 255 से अधिक है, 255 से हमारी वैल्यू अधिक है 1049, तो इसमें 1049 अब जब किसी डेटा रजिस्टर में मूव करोगे तो इसका लोअर बाइट और हायर बाइट दोनों कंज्यूम होगा। ठीक है, इसीलिए हमारा जो स्टार्टिंग एड्रेस होता है 2 बाइट्स का होता है। काउंट्स मींस कितना डेटा रजिस्टर रीड करना है मैं अगर, या फिर कितना आउटपुट क्वाइल रीड करना है या फिर इनपुट क्वाइल, मैं बोल दूं 10 तो ये तो चलो बहुत कम है, मींस ये 255 से कम है तो 8 बिट में हो जाएगा, हायर बाइट इसका जो होगा 00 हो जाएगा, और लोअर बाइट में जो हमारा अगर 10 है तो 10 हम मूव कर देंगे, अगर हेक्स में लिखेंगे तो 00 और ये 0A लिखेंगे। तो ये आगे मैं बताऊंगा, इसीलिए ये 2 बाइट्स में है और एरर जो सिस्टम चेक करता है ये भी 2 बाइट्स में होता है। तो ये मेरा जो मैसेज का फॉर्मेट है, आई थिंक आप बिट बाइट्स समझते होंगे, मैं फिर भी रिवाइज करा दिया। जो हमारा मास्टर और स्लेव, जो मास्टर हमारा रिक्वेस्ट भेजेगा स्लेव को, तो जो मास्टर और रिक्वेस्ट स्लेव के बीच में जो भी हमारा रिक्वेस्ट जाएगा वो इस फॉर्मेट में जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सबसे पहले हम स्लेव आईडी देते हैं, देन आफ्टर फंक्शन कोड देते हैं कि किस मींस डेटा को मुझे रीड करना या राइट करना है, ये मैं फंक्शन कोड से बताऊंगा, और स्टार्टिंग एड्रेस मुझे कितना डेटा रीड करना है या राइट करना है, और हमारा काउंट्स जो है कितना डेटा मींस रीड करना है वो हमारा काउंट्स बताया जाएगा, एरर चेक हमारा सिस्टम से करेगा। तो ये हमारा था कि मास्टर कैसे रिक्वेस्ट भेजता है, ये हमारा रिक्वेस्ट का फॉर्मेट है। अगर मैं यहां पे लिखना चाहूं तो मैं लिख देता हूं यहां पे रिक्वेस्ट है, ये रिक्वेस्ट का फॉर्मेट है जो हमारा मास्टर स्लेव को भेजेगा। देन आफ्टर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि जो हमारा स्लेव मास्टर को भेजेगा, मींस रिस्पॉन्ड जो मास्टर स्लेव जो हमारा होगा मास्टर को रिप्लाई देगा, आंसर देगा, उसका क्या फॉर्मेट है। अगर आप दो मींस दोनों में दोनों फॉर्मेट को समझ जाते हैं देन आफ्टर मैं इस पर क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा ताकि आपको आइडिया हो जाए और खुद भी आप प्रैक्टिस करके इसको सीख पाओ। दोस्तों अगर मेरी वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तब तक ले नमस्कार दोस्तों।